So hey there boys and girls, welcome back to our channel and we are playing Pokemon Empyrean. ये एक fan made game है, I don't know मैं ये क्यों बता रहा हूँ, but let's start. Sir, पिछले बार we saw that हमने यहाँ पे एक tournament खत्म किया है, किया था I mean. So वो tournament काफी मजा आया था उस tournament को करने में. Well, उसमें हम लोग जीते थे, I don't think so. या तो हम लोग हारे थे, मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि गाइस उस टूर्नामेंट में हमने 3 राउंड्स जीते थे एंड 1 राउंड हारे थे, यानी कि हमने फाइनल राउंड ही हार लिया था. सो अब तो ये बीच का स्टेट है, तो यार इसका नामकरण मैं कभी बाद में कर दूंगा, टाइम नहीं अभी. सो यार आज का हमारा मेन मोटिव है, वी हैव टू कम्प्लीट द जिम. या आज हमें जिम को कम्प्लीट करना ही है, कैसे भी करना है, बट वी हैव टू डू. सो यहाँ पे ये रहे मेरे सारे पोकेमोन, फॉल्स, स्टैटिक, पर्ल एंड फ्रॉस्ट. ये तो नेम सिमिलर है ना. वेल कोई बात नहीं, मैं बाद में इसका नाम चेंज करूंगा. सो हमने जिम के अंदर जितने भी बंदे थे हमने सबको हरा दिया. सो या अब हमें डायरेक्ट जिम चैलेंज करना, बट यहाँ से हम लोग पहले गेम सेव कर ले, क्योंकि क्या होगा यार किसी को कुछ भी नहीं पता. तो चलो. ओ भाई ये तो ब्लिट्स है यार. मोर्नो, आई एम वॉकिंग हियर. ओह इफ इजंट यू आई फॉरगॉट योर नेम, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट एनीवे. व्हाट, मतलब यार इतनी बुरी बेइज्जती. अच्छा कोई बात नहीं. व्हाट डिड यू से टू मी यू रूकी, आई विल टेक यू ऑन हियर एंड नाउ डोंट केयर, आई विल जस्ट डिफीट दैट लीम एज माई जिम कैप्टन. My Pokemon aren't very healed, but don't care. I am gonna wipe the floor with you. Oh, great. So, ab hoga Liu vs Blitz. So, let's the battle begin. To aaja. To yaar, iska pehla Pokemon hai Oshawott. Okay, Oshawott. So, false, use karo confusion. Oh, thoda taakatwar to hai yaar iska. False hai yaar taakatwar. Matlab, mujhe nahi laga tha utna taakatwar hoga, but sahi hai, sahi hai. कोई बात नहीं, भी हमें ज्यादा डैमेज नहीं उठाना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक है हमारा. तो जाओ स्टैटिक थंडर शॉक. ओह कूल, बट ओके पैरालाइज हो गया. ये सही हुआ ना यार, ये सही हुआ. चलो स्टैटिक एक और थंडर शॉक. वाटर गन, बस फेंट ना हो जाए स्टैटिक. ओके स्टैटिक यहाँ पे हार गया, बट कोई बात नहीं यार. तो जाओ पर्ल. सो पर्ल यूज करो बाइट अटैक. तो बहुत अच्छे पर्ल. तो यार हमने यहाँ पे इसे हरा दिया. इसका नेक्स्ट पोकेमोन है हेराक्रॉस. ओके ग्रेट मैन, मैं मानता हूँ हेराक्रॉस अच्छा पोकेमोन है. बुलेट सीड कुछ भी करना था, लेकिन बुलेट सीड नहीं करना था. ओके यार अच्छा, ये बस 2 टाइम्स हिट है, मतलब हम लोग इस हेराक्रॉस को उतना डैमेज तो नहीं दे सकते, बट लेट्स सी बुलेट सीड. अब तो हम लोग है. ओके कोई बात नहीं पर्ल, तुमने काम तो अच्छा किया, बट ज्यादा नहीं चला. तो जाओ फ्रॉस. सो यूज करो, आई नो पाउडर स्नो इस पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं. एंड 3 टाइम्स हिट. तो यहाँ पे अपना फ्रॉस्ट भी गई लो रे बाबा. एंड गो फॉर इट ब्लेस. सो अपना यार लास्ट उम्मीद है ब्लेस एंड यूज्ड आउट एम्बर. अरे बुलेट सीड है, हम पे इफेक्टिव नहीं है ज्यादा, बट यार इसके अटैक्स काफी स्ट्रांग है देख लो. 3 टाइम्स हिट में अपना इतना डैमेज दे दिया. एंड जाओ अब हमें यार जल्दी जल्दी करना होगा. एंड ओ नो मैन फ्यूरी अटैक. चलो आई डोंट थिंक सो हमारे पास पोशन है क्या. अच्छा यार रुको मुझे एक बार चेकआउट कर लेने तो है कि एप्रिप्लम है ना. सही होगा यार, मतलब ठीक होगा. बुलेट सीड यार हम लोग अब इसे एक एम्बर अटैक से हरा देने वाले हैं, बस इस पे ज्यादा हिट्स ना लग जाए. ओके यार 3 टाइम्स हिट. एंड अब हम इसे खत्म करेंगे, बस इसका फ्यूरी अटैक ही सबसे स्ट्रांग है. ओके 2 टाइम्स हिट एंड वी वॉन. ओके गाइस सो वी फाइनली वॉन. एंड यहाँ पे हमारा ब्लेज लेवल 15 का हो गया. फ्लेम चार्ज, ओके ओके सही है सही है. फ्लेम चार्ज काम देगा यार, मतलब फ्लेम चार्ज सही अटैक है. सो वी अपना यहाँ पे ब्लेज लेवल 15 का हो गया है, एंड जो कि अच्छी बात है, अब उसे फ्लेम चार्ज अटैक भी आता है. इस जिम के लिए ये काम देने वाला है. एंड ये जिम में मतलब मैंने चेकआउट किया है, सो ये जिम यूज करता है रॉक टाइप एंड नॉर्मल टाइप. तो अगर यार हमारा अगर यहाँ पे ब्लेज ना इवॉल्व हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि पिगनाइट एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन भी है.
सही रहता है यार, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारे दो एडवांटेज पोकेमोन है जो की है। पहला तो यार मेरा फ्रॉस्ट, वो एक आइस टाइप पोकेमोन है, सो वो काम दे देगा इफ अगर उस लोग के पास कोई ग्राउंड टाइप पोकेमोन हुआ था। एंड हमारा पोल्वी गाइस रॉक टाइप पोकेमोन है, सो वो भी सही रहेगा, उस पर भी ज्यादा टैक्स इफेक्ट नहीं करेंगे। एंड बाकी का पता नहीं। तो अब वी हैव टू फाइनली डिफीट द जिम गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। तो यार देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से अच्छे पोकेमोन मिलेंगे। एंड श्योरली मैं एक पोकेमोन पकड़ूंगा जो कि होगा गूमी, या पिछले बार हमें जंगल में एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन गूमी दिखा था, काफी क्यूट गूमी था बट काफी स्ट्रांग था। एंड हमारे पास सिर्फ एक ही पोकेबॉल था, वरना मैं जरूर पकड़ लेता। आई एम सो फुलिश, मुझे और पोकेबॉल ले लेने चाहिए था। एंड मुझे लगा था कि जंगल में ड्रैगन टाइप कहाँ से आएंगे यार, लेकिन सही था, जंगल सही था। सो मैंने यहाँ पे गेम सेव कर लिया। क्या ये है जिम लीडर? तो यार यहाँ पे हम गेम सेव कर देते हैं। आई थिंक सो यही है जिम लीडर। तू कौन है? हेलो, आई कैन सी दिस इज योर फर्स्ट टाइम चैलेंजिंग अ जिम। लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल्स। फर्स्ट चैलेंजर मस्ट चैलेंज द वाइस कैप्टन ऑफ द जिम व्हिच इज मी, एंड देन इफ एंड ओनली दे हैव डिफीटेड द वाइस कैप्टन दे कैन चैलेंज द कैप्टन। द जिम्स आर ऑर्गेनाइज्ड दिस वे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ under qualified trainers and in turn the amount of captain's work. When you will win against the vice captain, you gain the right to summon the captain of course. If you lose against the captain, you need not and cannot rebattle the hey kya hua vice captain again. So are you ready to take on the vice captain? Sure man, aja. So, ये है वाइस कैप्टन जूरस। ओके नॉट बैड। तो इसका पहला पोकेमोन है एपॉम। तो जाओ फॉल्स, यूज कंफ्यूजन। ओके एस्ट्रोनिश, एस्ट्रोनिश ये अच्छा अटैक है, ये घोस्ट टाइप अटैक है, सो हमारे फॉल्स पे सुपर इफेक्टिव पड़ेगा। लेकिन एक बात का डर है, बस फॉल्स फिंच डाउन हो जाए, बस जिसका डर था वही हुआ, स्क्रैच बस फेंट ना हो जाओ यार, कोई बात नहीं। तो अब मेरा पोकेमोन होने वाला है मेरा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट अच्छा पोकेमोन है, तो जाओ फ्रॉस्ट, यूज पाउडर स्नो। एक और बार पाउडर स्नो, होप बस जीत जाए, बस हम लोग यार जीतने वाले, बस थोड़ी सी की दूरी पे हम लोग। एंड वी वॉन। ओके ग्रेट, सो यहाँ बेबी डॉल आइस। वैसे ये अटैक क्या करता है यार, मतलब आई सीरियसली डोंट नो अबाउट मच। एक साइकिक टाइप अटैक है यार, मुझे इतना पता है लेकिन बाकी का पता नहीं। एंड हेडबट गर्ल, ओ यार फ्रॉस्ट फेंटेड, बट कोई बात नहीं, हमारे पास है हमारा पर्ल। तो जाओ पर्ल, सो जाओ पर्ल, बाइट अटैक। ओके बाइट सही है, बाइट सही है, बस ऐसे ही चलते रहने दो। एंड हेडबट नॉट इफेक्टिव रहे, तो बाइट अटैक भाई, एक और बाइट अटैक से वी विल विन। एंड यहाँ पे मेरे पोकेमोन कुछ सही हालत में नहीं दिख रहे, सो लेवल 12 हाउल। ओ तो मैं यहाँ पे लियर को हटा देता हूँ। ओके सो वी वॉन गाइस, एंड आई शैल सुमन द कैप्टन नाउ। ओके भेज दो कैप्टन को। एंड ये कौन है? वेलकम, आई एम रीटा। ओ नाइस नेम, द कैस्ट्रेन जिम कैप्टन, शो मी दैट यू गॉट प्रिटी बॉय। तो आ जाओ रीटा। सो अब हमारे फाइनली जिम लीडर से बैटल होगा। ओके जिम लीडर नहीं यार, जिम कैप्टन। ओ यहाँ पे मेरे पोकेमोन ऑटोमेटिक हील हो गया, चलो सही है। एंड यहाँ पे मेरा अटैक पहले लग गया, चलो ये भी सही है। मेटल क्लाउ नो यार सुपर इफेक्टिव एंड क्रिटिकल हिट भी, चलो कोई बात नहीं। बट मैं अब चुनता हूँ मेरे फ्रॉस्ट, आई थिंक सो। चलो मैं यहाँ पे फ्रॉस्ट को चुनता हूँ। तो जा फ्रॉस्ट, यूज पाउडर स्नो। बस यार अगर ये फ्रीज हो जाने तो सही रहेगा। मेटल क्लॉ मैं भूल गया था, फ्रॉस्ट पे भी इफेक्टिव है, बट कोई बात नहीं, अगर ये एग्रॉन फ्रीज हो जाने तब सही होगा। बट फ्रॉस्ट ऑल्सो फेंटेड, तो अब फाइनली मुझे अपने पर्ल को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो जाओ पर्ल। वेल मैं अपने पर्ल को इवॉल्व करने की सोच रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सो इतने जल्दी इवॉल्व होने वाला, बट कोई बात नहीं। एंड इस पे भी सुपर इफेक्टिव है, मुझे पता था, लेकिन बस एक बार भाई तू फिंच्ड हो जा, मजा आ जाएगा। एंड नहीं हुआ, आई विल
लियो एग्रॉन, ये एग्रॉन ताकतवर है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाकी पोकेमोन कितने ताकतवर होंगे। ओ भाई नेक्स्ट पोकेमोन रायहॉर्न है, तो मुझे अपने स्टैटिक को निकाल के अपने पर्ल को हील कर लेना चाहिए था, राइट। सो कोई बात नहीं, एंड पर्ल फिंटेड, तो गो फॉर इट स्टैटिक। तो ये रहा हमारा स्टैटिक। कौन सा अटैक इसमें इफेक्टिव रहेंगे यार? आई डोंट थिंक सो, एक भी रहेंगे। तो पैक अटैक नॉट वेरी इफेक्टिव, रॉक स्लाइड लो हो गया बेड़ा पार, एंड स्टैटिक फेंटेड। स्टैटिक का स्टैटिक ने कुछ काम ही नहीं किया, मतलब मेरे जैसा प्लान था ऐसा तो हो ही नहीं रहे, एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फ्लेम चार्ज। आई थिंक यार अब हम इसे जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लेज यहाँ पे स्ट्रांग है एंड क्रिटिकल हिट। ओ भाई हम लोग हारने वाले हैं। सो हारने का बस तैयारी कर लो। अगर यार ये रॉक स्लाइड लग गया ना तो गया। ओके जैसा मुझे लग ही रहा था हम लोग हार गए, एंड 120 रुपीस भी चुकाने पड़े। ओह नो आई लॉस्ट। हे डोंट वरी, जस्ट ट्रेन एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कम बैक, यू कैन फाइट अगेंस्ट द ट्रेनर इन द लॉबी टू शार्पन योर स्किल्स, गुड लक। वेल मैंने सबसे बैटल कर ली है, सो मुझे एडवाइस मत दो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सो एक बुरी हार के साथ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पोकेमोन थोड़े तो लेवल अप हुए ना, सो इस लेवल अप पोकेमोन से हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। सो वेल हुए कि नहीं हुए ना? ओ हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ओके आई शुड नॉट हील दी पोकेमोन, एंड यहाँ पे मेरे पोकेमोन ऑटोमेटिक हील हो गया, तो मैं जा रहा हूँ फिर से चैलेंज करने जिम लीडर को, एंड लेट्स सी इस बार कौन जीतता है। डैम श्योर मैं ही जीतूंगा इस बार, आई ओनली थिंक सो, एंड इस बार मैं अपने पर्ल को आगे रखने वाला, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। सो बात की एक बात, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। ओके आ जाओ रीटा, एंड नाउ आई एम रेडी फॉर यू। ओके रीटा, सो इसका पहले पोकेमोन है एग्रॉन, तो जाओ पर्ल एंड यूज डाउन बाइट अटैक। भाई बस अगर ये फिनिश्ड हो जाने तो सही रहेगा। ओके सो एक और बाइट अटैक, ओके नाउ ग्रेट 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 ग्रेट, बस ऐसे ये फिनिश्ड हो जाए। सिरेगा मेटल क्लॉ, भाई इसको मेटल क्लॉ नहीं करना चाहिए था, मतलब कुछ भी कर भाई, बस मेटल क्लॉ मत कर, क्रिटिकल फिनिश्ड हो जा। ओ कम ऑन मैन, क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, तो जा फॉल्स, यूज कंफ्यूजन, बहुत अच्छे, गुड गुड। नेक्स्ट वो क्या है, रायहॉर्न, तो कंफ्यूजन। ओ भाई सही अटैक है, बस अपने आप को हिट कर ले भाई रायहॉर्न। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कि ये काम कर रहा है गाइस, मतलब मुझे नहीं लगा था लेकिन ये काम कर रहा है। हमारा फॉल्स तो स्ट्रांग निकला, जैंगूज यार, तो ये इसका लास्ट पोकेमोन है जैंगूज, सो मुझे लगता है हम लोग इसे हरा देंगे। हम लोग ज्यादा दूरी पे तो नहीं है, बट आई थिंक सो हम लोग इसे हरा देंगे ना। ओ ग्रेट, बट मुझे नहीं लगता तू जीतेगा जैंगूज, तो जाओ स्टैटिक यूज थंडर शॉक। वेल बस हार मत जाना यार। ओ पैरालाइज, ओ ग्रेट ग्रेट, एंड यूज डाउन क्विक। वेल इसका क्विक अटैक मेरे क्विक अटैक से ज्यादा तेज था, स्टैटिक इस बार काम कर गया, चलो ग्रेट। एंड जाओ फ्रॉस्ट यूज पॉड स्नो। वेल अब हमारे पास हमारा लास्ट हो गया, अभी भी बचा है विच इज आवर टैपिक। सो अब आ जाओ ब्लेस, अब हमारी बारी आ गई है, एंड एक चीज बताए अच्छी क्या है, फ्लेम चार्ज, हमारी स्पीड भी रोज हो जाती है। सो ओ क्रिटिकल हिट, हो भाई एक ही बार में जीत गया, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो चाहिए था। एंड ब्लेज इवॉल्व नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। वो यू आर स्ट्रॉन्ग, कांग्रेचुलेशन, लेट मी गिव यू योर फर्स्ट बैच, वी रिसीव्ड हार्ड बैच गाइस, सो मजा आ गया, बस मजा ही आ गया। एंड चलो ग्रेट, एंड हमें हमारा पहला टीएम मिल चुका है विच इज बुलडोज। ओ थैंक्स वाइस कैप्टन। सो आज हमने हमारा पहला जिम बैच जीत लिया है, विच वॉज ऑसम। यू हे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप रीटा, बट व्हाट यू वांट फ्रॉम मी,
आई मीन डू यू लाइक हैव दिस टाइम? या मेरे पास अभी बहुत समय है, खाली समय है. समथिंग डिड आई लाइक टू कम एंड मीट यू इन दिस? ओके सो गाइस, जहाँ में वो गुमी मिला था ना, ये हमें वही बुला रही है. एंड आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक वी शुड गो. तो मुझे लगता है गाइस, मुझे अपने थोड़े पोकेमॉन यहाँ पे आज पीसी पे स्टोर कर देने चाहिए. वेल मुझे पक्का नहीं पता मैं करूंगा या नहीं, मतलब मुझे कर देना चाहिए, आई थिंक सो. तो मैं यार यहाँ पे अपने पोकेमॉन स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि अब आई नीड सम न्यू पोकेमॉन गाइस. तो मैं अपने पीसी में स्टोर कर देता हूँ, पर्ल को नहीं करूंगा, टेपिक को नहीं करूंगा. एंड सो यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं स्टैटिक को कर दूं, मतलब मैं हमेशा के लिए नहीं कर रहा हूँ, एंड फ्रॉस्ट को कर दूं. मैं इसे निकालूंगा जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी. सो या ऑफकोर्स मैं इसे यूज करूंगा, एंड थोड़ा ट्रेन भी कर दूंगा. ट्रेन करने में कितना टाइम लगेगा यार. एंड आई नो वॉट आई हैव टू डू नाउ. अब मुझे थोड़े पोकी बॉल्स खरीदने, पोशंस नहीं, पोशंस की हमें कोई जरूरत नहीं है. हमारे पोकेमॉन अभी ऑलरेडी काफी ताकतवर हो रखे हैं, सो पोशंस की हमें जरूरत तो नहीं है. बट या अब अगर फॉरेस्ट में मुझे हेराक्रॉस या घूमी जैसे कुछ सही पोकेमॉन मिल जाए ना, तो काफी मजा आ जाएगा. तो लेट्स बाय आउट सम पोकी बॉल्स. एंड 10 पोकी बॉल दे दो भैया. ओ थैंक्स. वो तो एक काम करो और 10 पोकी बॉल दे दो. ओ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बस मुझे इतना ही चाहिए. मैं पोशंस वाई कर लेता हूँ, मतलब आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी जरूरत है. बट या चलो थोड़े खरीद ही लिए. तो एक काम करो, एक पोकी बॉल और दे दो, फिर मेरे पास 21 पोकी बॉल्स हो जाएंगे. क्योंकि गुमी को हमें यार इस बार कैसे भी करके हमें गुमी को पकड़ना है. एंड गुमी काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, सो वो हमें मिलना तो काफी हार्ड हो जाएगा. बट पहले हमें उस फॉरेस्ट में चेकआउट करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स वहां पे जिम लीडर रीटा भी हमारा इंतजार कर रही है. ये तो ये केड है यार. तो चलो इससे बात करते हैं. पता नहीं यार ये हमें क्या देंगे. सो लेट्स टॉक टू हिम. हाय ल्यू, प्रोफेसर एनवर सेंट मी हियर टू फाइंड यू. ओ उसे क्या चाहिए? ओ मुझे क्या चाहिए? ओके सो ये हमारा पोके गियर. सो ये पोकी गियर वही है ना जिसमें ट्रेनर रजिस्टर कर सकते हैं. ओह लिया यार, ये वही है, ये वही है. तो हमारे पास यहाँ पे का इस मैप भी है. सो दैट वाज सून. ओह आई थिंक कॉल आया यार, प्रोफेसर एलमंड का कॉल है. सो यार वो हमें कॉन्ग्रेट्स कर रही है. एंड बस हमें पहले जिम के लिए, सो और कुछ नहीं है. एंड शी सेट की यार हमारा नेक्स्ट जिम है. ओ ओ ओ ओके सो हमारा नेक्स्ट जिम है उसी सिटी में जब हम लोग जा रहे हैं. सो चलो चले यार वहां पे. तो यार मैं यहाँ पे अपने आगे ना पर्ल को रख लेता हूँ, मतलब पर्ल को नहीं फॉल्स को रख लेता हूँ. फॉल्स क्योंकि यार सही रहेगा, अभी के लिए फॉल्स सही है, क्योंकि हमारे हमें पोकेमॉन्स पकड़ने हैं थोड़े कमजोर करके. सो पर्ल में इतनी ताकत तो है यार, वो एक ही बार में फेंट कर दे जैसे उसने पिछले बार गुमी को किया था, मतलब गुमी को किया नहीं था. एंड हमें वो गुमी यार यहीं पे मिला था. होप सो एक और बार यार वो गुमी मिल जाए बस. एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, एक बार तो मिल जाए गुमी, वही एक बार आ जाए बस, लास्ट टाइम. सो पहले हम लोग रीटा ही से बात कर लेते हैं. ओह लियू, ओह हाय लियू, आई सी नो वन इज विथ यू, गुड. ओके यू नीड टू आस्क मी कम अलोन टू डार्क फॉरेस्ट. या अर्लियर टुडे आई वाज वॉकिंग थ्रू हियर एंड आई ड्रॉप्ड अ पर्सनल आइटम, इट फेल बिहाइंड द थॉर्नी बुशेस डाउन देयर एंड नाउ आई कांट गेट. ओके सो यार अब हमें यहाँ पे स्टील सीजर मिल चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं. ओह थैंक्स, यू कट इट लाइक अ प्रो. ओ प्रो ग्रेट. ओके सो अब हमें फोन नंबर भी मिल चुका है, चलो ग्रेट. एंड यहाँ पे हमें मिला है एक रिपेल. सो अब मैं यहाँ पे पकड़ने जा रहा हूँ गुमी को, तो देखते हैं हमें अब यहाँ पे गुमी कब मिलता है और कितनी देर में मिलता है. ओके गुमी, सो अब पकड़म पकड़ाई खेलने का टाइम खत्म. सो आ जाओ चुपचाप मेरे सामने. कम ऑन गुमी, प्लीज एक बार आ जा यार.
गुमी 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 ओह अ पोकेमोन अपीयर्ड वो कौन सा होगा ओ भाई गुमी सी गाइस सी दैट ये तो गुमी है ओ ग्रेट यार सो अब वक्त है पोकेबॉल फेंक तमाशा देख तो गो पोकेबॉल पकड़ा जा वेल मैं इतना देर से गुमी की तो तलाश कर रहा था ओके ओ मैन मुझे लगता है अगर मैंने इस पे एक और अटैक किया ना तो बस यार गुमी तो गई ओके सो अब्सॉर्ब गेटिंग स्ट्रॉन्गर तो जाओ पोकेबॉल फिर से अपना कमाल दिखाओ कम ऑन यार गुमी एक बार तो हाथ आ जा ओके सो बबल वैसे गुमी थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है मतलब मारना पड़ेगा पिछली बार यार आई थिंक लेवल 9 का गुमी था एंड वो भी हमें इससे बच गया था एंड ये गुमी भी काफी ताकतवर है सो अब नहीं इस बार नहीं इस बार मैं इसे जाने नहीं दूंगा एंड अब मैं फेंकता हूँ प्रीमियर बॉल होप सो पकड़ा जाए ओ मैन अब्सॉर्ब नाउ इट्स टाइम टू यूज कंफ्यूजन होप सो फेंट ना हो जाए ओ भाई सही हो गया चलो ग्रेट बच गया यार बच गया एक दो तीन ओ मैन कम ऑन नॉट अगेन फॉल्स को हरा दिया यस मैन मुझे मतलब अब तो सिर्फ इस भूमि को पकड़ना ही पड़ेगा तो जाओ पोकेबॉल कम ऑन अब तो मैं सिर्फ पकड़ के ही रहूंगा रुक बस तू गुमी हे गाइस सो आई फाइनली कॉस दी गुमी यार आखिरकार मैंने इस गुमी को पकड़ लिया इस गुमी ने मुझसे काफी पापड़ बिलवाए हैं सो इसका नाम भी कुछ सही रखना चाहिए काफी स्ट्रांग पोकेमोन है एंड इस ड्रैगन टाइप के उनका नाम क्या रखूं यार सो इसका नाम मैं रखता हूँ ये नाम कैसे रहेगा ड्रैगन ड्रैगून ओ ये सही है ना गाइस ड्रैगून वेल ये मेरा फेवरेट ब्लीडर का फेवरेट बिग बीस्ट का नाम है विच इज वॉस टाइसन काफी सही ब्लीडर है मतलब मुझे बीब्लेड भी काफी ज्यादा पसंद है सो आज हमने पकड़ लिया आखिरकार हमारा पहला ड्रैगन टाइप पोकेमोन जो कि है गुमी एंड ये भी एक फीमेल गुमी है एज आई हैव सेड यहाँ पे हमें मार्क देख के पता चल जाता है सो अब हमारे टीम में है दो मेल एंड दो फीमेल पोकेमोन्स अब मेरा यार नेक्स्ट पोकेमोन अगर हो तो रुको मैं अगर रैंडमली गेस करूँ ना तो मेरा नेक्स्ट पोकेमोन वॉम्पल सो गाइस मेरा नेक्स्ट पोकेमोन रहेगा कुछ हॉन्चक्रो जैसे यार हॉन्चक्रो काफी अच्छा पोकेमोन है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर डार्क एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जो कि भाई बहुत सही पोकेमोन है पॉल के पास भी था पॉल तो को तो जानते होंगे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है ओके वी बॉन ओ लेवल 16 पे ओ वेरी गुड ब्लेस सो जाओ पर अब मैं अपने ड्रैगून और अपने फॉल्स को भी ट्रेन करूंगा इससे पहले वी शुड ट्रेन पर्ल्स टू सो पर्ल बाइट अटैक एक और बाइट अटैक भाई बस हम लोग जीतने ही वाले हाँ हम लोग जीत जाएंगे यार बस डोंट वरी एंड बर्न ओके नो प्रॉब्लम हम लोग अभी जाके फिर से हील करवा लेंगे ओके टेल वेब एंड ये थोड़ा खतरनाक हो गया अगर इस बार पोनीटा नहीं आ रहा तो यार प्रॉब्लम क्या है इसकी टैकल मतलब सीरियसली बस बहुत हो गया एंड जाओ गुमी यूज बबल ओके मुझे नहीं पता था गुमी जितना कमजोर निकलेगा सो फाइनली हम चुनते हैं हमारे ब्लेस को तो ब्लेस टैकल
नाउ दैट्स द स्पिरिट गाइस, अब हमारे पास कुछ अच्छे पोकेमॉन्स आ चुके हैं। सो लेट्स सेव द गेम एंड अब थोड़े आगे एक्सप्लोर किया जाए क्या? नो आई जस्ट थिंक सो, करना चाहिए। ओ यहाँ पे एक बग क्या चल रहा है यार, ये बंदे कितने खड़े हैं यहाँ पे। ओ एक वाइन पीडी, नॉट वेरी गुड पोकेमॉन मैन। सो यूज कर फ्लेम चार्ज। ओ नेक्स्ट क्या है, वॉम्पल। यार ये इतने बेकार पोकेमॉन क्यों ला रहे हैं? मतलब मेरे ब्लिस इन जैसे कीड़े पोकेमॉन को तो आराम से हरा देगा ना, मतलब बग टाइप सच में। Oops, I don't think so. अब यहाँ पे और कोई पोकेमॉन है? ओ एक पैंचम, डोंट वॉन्ट, क्योंकि मेरा ब्लेज भी अगर इवॉल्व हो गया ना सो फिर वो भी बन जाएगा एक। ओ रिपेल, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड यहाँ पे हम लोग जरा ट्रेनर्स क्यों खोल दिए, हम लोग गेम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे यार कुछ अगर बंदे मिल जाए। Oh, would you like to meet my small bug family? Of course. एक वीडल, बहुत अच्छा पोकेमॉन तो नहीं है। सो हमने यहाँ पे हरा दिया एक वीडल को, एक बेकार से कीड़े को। एंड नेक्स्ट बीड्रल, ओ ये कुछ सही है। तो पिछले बार बीड्रल ने मुझे काफी ज्यादा धूल चटाई थी, सो इस बार मैं से धूल चटाकर फिर अटैक मिस हो जाएगा, डोंट वरी। सो इस बार एम बरसे खत्म करो प्लीज। अब आखिरकार वी टेक वी टुक आवर रिवेंज गाइस, इस बीड्रल ने हमें काफी पापड़ मिलवाए। ओ कोकून, ये भी आ जाएगा यार तुरंत, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। एंड यहाँ पे हार चुका है ये कोकून एंड मेरे पोकेमॉन यहाँ पे थोड़े घायल तो हो गए, मतलब काफी हो गए। ओ भाई ब्लेज इज वॉल्विंग एंड नाउ ये भी भाई, नाउ ये टैपिक क्या बनता है यार, पिगनाइट ना, हाँ पिगनाइट। ओ भाई ओके, सो वेलकम टू आवर न्यू पोकेमॉन व्हिच इज पिगनाइट। ओके ग्रेट, मतलब काफी मजा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पोकेमॉन बन चुके हैं पिगनाइट। अब यार हमें यहाँ से वापस पोकेमॉन सेंटर में कल्टी मार लेनी चाहिए। एंड ये क्या, ये तो श्रुमिश है ना। ओ श्रुमिश, ओ नो 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 नो, ओ मैन मुझे उस श्रुमिश पकड़ना था। पिगनाइट क्या किया यार तूने, नॉट इंटरेस्टेड। सो अब हमें यहाँ से यार वापस पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। एंड यहाँ पे मजा आ गया, यहाँ पे हमें अपना पहला ड्रैगन टाइप पोकेमॉन गुमी मिल चुका है, गुमी गुमी। सो एंड अब हमारी टीम काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, अभी मुझे लग रहा है वेल बैलेंस्ड है। सो अब मुझे लगता है कि वी शुड कैच सम न्यू फ्लाइंग पोकेमॉन्स। सो लेकिन यार आज के लिए तो इतना ही, आज से भी हमारा मेन मोटिव था कि वी हैव टू कंप्लीट द जिम टुडे। एंड अब हमें कुछ नए पोकेमॉन्स भी मिल चुके हैं। सो पहले मैं अपने पोकेमॉन हील करवा देता हूँ। ओ थैंक्स नज़्जोय। तो गाइस लेट्स सेव द गेम हियर ओनली। एंड यार आज के लिए इतना ही एंड बाय फॉर टुडे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इफ यू लाइक द वीडियो। सो बाय।